नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप? आई होप अच्छे से होंगे। आज मैं बात करता हूँ हेयर फॉल के बारे में। हेयर फॉल पे वैसे मैंने एक वीडियो और बना रखी है, वो पोस्ट कोविड की थी। आज मैं जनरल हेयर फॉल की बात करता हूँ। हेयर फॉल की प्रॉब्लम से, बाल झड़ने की प्रॉब्लम से काफ़ी वयस्क परेशान है। आजकल जल्दी एज में बाल टूटने लग जाते हैं, तो बाल टूटने की समस्या मेल्स में ज़्यादा होती है। कारण क्या होता है? एंड्रोजेंस हार्मोन्स होते हैं, विटामिन्स की कमी हो सकती है और कुछ मिनरल्स की कमी हो जाती है इसमें। अब कौन कौन से मिनरल्स इसमें कम होते हैं? मोस्टली इसमें क्या होता है, जिंक की डेफिशिएंसी हो जाती है। जिंक जो होता है वो हेयर ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा वो होता है एलिमेंट, और एक बायोटिन करके होता है विटामिन, उसकी कमी हो जाती है। विटामिन B7 बोल देते हैं या H बोल देते हैं, ठीक है? तो इनकी डेफिशिएंसी हो जाती है इसके अंदर। और जिंक की कमी क्यों होती है, इसका मैं बहुत अच्छा आपको एक चीज़ बताऊंगा। एक्चुअली क्या होता है, आजकल हमारे घरों में जो खाना बनता है ना, मोस्टली जैसे आप उसमें चले जाओ, मैस में चले जाओ, तो क्या होता है, वहाँ पर एल्यूमिनियम के बर्तन में खाना बनाया जाता है। वो बहुत बड़ा नुकसानदायक होता है, क्योंकि एल्यूमिनियम जो होता है वो जिंक को रिप्लेस कर देता है हमारी बॉडी से, ठीक है? तो एल्यूमिनियम के बर्तन में कभी भी खाना नहीं खाना चाहिए, क्योंकि उससे हमारे शरीर में क्या होता है, जिंक की कमी हो जाती है, ठीक है? तो अब बात करते हैं सोल्यूशन की। तो हेयर फॉल का सबसे बेस्ट सॉल्यूशन क्या है, मैं बताऊँ आपको। देखो, जहाँ तक विटामिन की बात है, तो विटामिन आप ले सकते हो, मल्टी विटामिन खा सकते हो। और विटामिन में भी कुछ, एक तो मल्टी विटामिन में तो बहुत सारे विटामिन आ जाते हैं, मोस्टली क्या है, B7 पर फोकस करना है। तो बायोटिन विटामिन जिसमें हो, आप अकेले बायोटिन भी ले सकते हो, जैसे कि एक आती है बायोप्रेग एफ करके आती है, बायोप्रेग एफ आप ले सकते हो। और उसमें क्या होता है, फोलिक एसिड होता है और बायोटिन होता है, ठीक है? बायोटिन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और मैं समझता हूँ जो बाल ज़्यादा झड़ रहे हों, तो बायोटिन 5 mg TDS में भी चल जाता है। और बायोटिन के साथ साथ क्या, फोलिक एसिड हो जाए तो अच्छी बात है, और मल्टीविटामिन सारे हो जाए हमारी ओर से, लेकिन बायोटिन जरूरी है, ठीक है? इसके साथ साथ जिंक, और जिंक जिंक बाजार में आ जाता है जिंक एसीटेट के नाम से। जिंक एसीटेट में 50 mg में होता है, उसको आप OD में ले सकते हो, BD में ले सकते हो, डिपेंड करता है कैसी कंडीशन है। तो आप मोस्टली OD में तो स्टार्ट कर ही सकते हो। और एक स्प्रे आता है जिसमें होता है मिनोक्सीडिल करके होता है, और फिनेस्ट्राइड, दोनों का कॉम्बिनेशन भी आता है, अकेले मिनोक्सीडिल भी आता है। उसको हम अगर सिर पर लगा लेते हैं, स्प्रे करते हैं, तो मैंने देखा कि उससे बाल बहुत जल्दी ग्रोथ होती है, ठीक है? मार्केट में आता है मिनटोप के नाम से, मिनटोप टू गेन 5% करके आता है, ठीक है ना? तो उसका क्या है, बहुत तकड़ा रिजल्ट है। उससे क्या होता है, तुरंत जो है, मैंने देखा कि जैसे अब आपने आज स्प्रे करा, तो 2-3 दिन में ही छोटे 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 बाल निकलने शुरू जाते हैं, ठीक है ना? उसका काम क्या होता है कि मतलब जो पेरिफेरल ब्लड वैस्कुलर सिस्टम होता है उसको एक्टिव कर देता है। मतलब जो पेरिफेरी पे ब्लड होता है, मतलब जैसे कि सर है हमारा, तो सर की तरफ क्या होता है, ब्लड सप्लाई बढ़ जाती है, खासतौर पर स्किन में, ठीक है? जिसकी वजह से क्या होता है, आपका ये जो बालों की ग्रोथ होती है ये थोड़ी बढ़ जाती है, क्योंकि उनको मिनरल्स और न्यूट्रिएंट मिलने लग जाते हैं, ठीक है? तो मिनोक्सीडिल का काफ़ी अच्छा रेस्पॉन्स है। सबसे बेस्ट शैम्पू बताता हूँ और एक ऑयल बताता हूँ, ठीक ना? बेस्ट शैम्पू जो है वो है आपका जो ट्राइगेन, ओके? एक ट्राइगेन शैम्पू आता है, ठीक, एप्पल फार्मास्यूटिकल का है, बहुत अच्छा है रेस्पॉन्स है उसका, मैंने देखा, ट्राइगेन, ठीक है? उससे क्या है कि बहुत जल्दी ग्रोथ होती है बालों की, यहाँ तक कि जो टूट रहे हैं उनको तो पहले रोक ही देता है, ठीक है ना? और उसके साथ साथ शैम्पू आप नहाते टाइम शैम्पू यूज कर सकते हो ना? और जहाँ तक बात करते हैं ऑयल की, तो ऑयल के लिए एक रूट्स करके ऑयल आता है, रूट्स ROTZ, ठीक है? ये वाला जो हेयर ऑयल है ये बहुत ही अच्छा है, आयुर्वेदिक है, ठीक है, लेकिन रेस्पॉन्स बहुत अच्छा है, ठीक है? मैंने इसका यूज किया है और मैं बताता हूँ, इससे मैंने देखा रेस्पॉन्स बहुत जल्दी आता है, ठीक है? तो दोनों, मतलब शैम्पू प्लस ये वाला हेयर ऑयल, हेयर ऑयल सुबह शाम 2 बार कर सकते हो। हेयर ऑयल बोर भी बहुत सारे हैं, इंदुलेखा का ऑयल भी है, वो भी अच्छा कारगर है इसमें, और ऐसे बहुत सारे हैं, एक 7 ऑयल करके आता है, वो भी अच्छा है, ठीक है ना? लेकिन मैं अब सारे ऑयल को सबको यूज करके देखा, तो सबसे बेस्ट जो यही लगा है, रूट्स करें और ये वाला शैम्पू। तो मेनली क्या क्या हम यूज कर सकते हैं, ट्राइगेन शैम्पू, ओके, ठीक है, और रूट्स हेयर ऑयल, और मिनटोप, और बायोटिन, और जिंक, ठीक है ना? ये सब चीज़ें हम इसमें यूज कर सकते हैं, जो कि इसमें बहुत फायदेमंद होगा, ठीक है? सो फ्रेंड्स, मैं समझता हूँ आज की वीडियो आपकी समझ में आई होगी, ठीक है ना? तो हेयर फॉल के लिए हमने बता दिया है, आई होप किसी का भला हो जाएगा, ओके? और फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। सब्सक्राइब करते हैं तो बगल में बेल आइकन का बटन है, उस पर ऑल पर क्लिक कीजिएगा, ताकि मेरी
वीडियो की अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। और अगर आपका कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, सुझाव दीजिए नेक्स्ट वीडियो क्या बनानी चाहिए, किस टॉपिक बनानी चाहिए, और अगर कुछ कमियां हैं तो बताइएगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।